फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ इज कुकरेजा राहुल। एंड आज आप पाचो स्टैंडर्ड टेन्थ माटे आपने जो जशु स्टैंडर्ड टेन्थ माटे आज नो टॉपिक छे प्रूव दैट रूट टू रूट थ्री रूट फाइव एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स। ओके, आ सेम कॉन्सेप्ट जे छे नाइन्थ स्टैंडर्ड में पण छे। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पण रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इरेशनल प्रूव करवानो छे। बट ए कॉन्सेप्ट जे छे कैलक्युलेशन कॉन्सेप्ट छे, मतलब के तमारे एमां लॉन्ग डिविजन करीने तमारे कहेवानुं छे के ए रूट टू जे छे टू थ्री फाइव ए बधा इरेशनल नंबर छे लॉन्ग डिविजन करीने कैलक्युलेशन पार्ट करीने। बट अहीं आपणे विधाउट एनी कैलक्युलेशन बराबर आपणे एने प्रूव करवानुं छे के दिस इज अ इरेशनल नंबर्स ऑल ऑफ दे। ओके, देन इरेशनल नंबर्स छे एनी माटे प्रूव करवा माटे लेट्स स्टार्ट। आपणे स्टार्ट करीए के कई मेथड छे ने करी तेने आपणे प्रूव करवानुं छे। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ तमने रिक्वेस्ट करीश के प्लीज तमने जो मारो वीडियो पसंद पड़तो हो तो देन तमे एने लाइक करी शको छो, सब्सक्राइब करी शको छो अने शेर पण करी शको छो। अने कोईपण डाउट हो देन कमेंट में तमे लखी शको छो। हवे आपणे रूट टू रूट थ्री ने रूट फाइव ने इरेशनल प्रूव करवानुं छे। साथे साथे हूँ बीजा एक्जाम्पल पर लईश के आ वन डिजिट छे, टू डिजिटमां पण तमने अहीं एक बे एक्जाम्पल आपीश के ने रूट थ्री प्लस टू रूट फाइव पछी छे सिक्स प्लस रूट टू एंड सेवन रूट फाइव। बराबर, आ त्रण एक्जाम्पल छे के जेने इरेशनल प्रूव करवानुं छे आ त्रणे नंबर्स ने। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट सिंगल डिजिट ना ज लईए छे पहेला रूट टू ने रूट थ्री। ओके, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर्स आ मारो क्वेश्चन छे। ओके, देन फर्स्ट स्टार्ट करिए के हवे अहीं बे कंडीशन छे, कां तो तमारे नंबर रेशनल होवो जोईए कां तो इरेशनल होवो जोईए। बराबर, अहीं थोड़ुंक अहीं एक्सप्लेन करी दऊं थोड़ीक वस्तु ने पछी आपणे सम स्टार्ट करिए के शूँ आपणे मारी पासे बे ज कंडीशन छे, कां तो रेशनल कां तो इरेशनल। जेम के तमे कां तो साचा हो कां तो खोटा हो, बे रीते तमारी कंडीशन होय। तमे तमारा फ्रेंड साथे वात करता हो तो कां तो तमे खोटा छो कां तो तमे साचा छो, बे ज कंडीशन छे, एनी सिवाय बीजी कोई कंडीशन न होय। बराबर, तमे एम न कही शको कि हूँ साचो पण छू ने खोटो पण छू। बराबर, देन अहीं पण सेम कंडीशन छे, कां तो इरेशनल होय कां तो ए नंबर इरेशनल होय, बेमांथी एक नंबर होय, एनी सिवाय बीजो कोई नंबर आपणे न होय। बराबर, देन હું કહું કે નંબર જે છે એ રેશનલ નથી। બરાબર, નંબર રેશનલ નથી તો ઓટોમેટિક શું થઈ જશે, ઇરેશનલ। બરાબર, ધ નંબર વિચ આર ગીવન ઇઝ નોટ રેશનલ। બરાબર, જે નંબર આપેલો છે રૂટ ટુ એ રેશનલ નથી, તો રેશનલ ન હોય તો બીજું શું હોય, ઓટોમેટિક ઇરેશનલ। બરાબર, આપણે ખાલી શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે ગિવન નંબર જે છે એ રેશનલ નંબર નથી। જો આપણે એને પ્રૂવ કરશું કે એ નંબર જે છે એ રેશનલ નંબર નથી તો ઓટોમેટિક શું પ્રૂવ થઈ જશે, ધીસ ઇઝ અ ઇરેશનલ નંબર। બરાબર, ધેન સેમ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે ખોટા છો, મારે ખાલી પ્રૂવ કરવાનું છે કે તમે ખોટા છો, તો તમને હું પ્રૂવ કરી દઉં કે તમે ખોટા છો, ધેન ઓટોમેટિક શું પ્રૂવ થઈ જાય કે તમારી સામેવાળો જે વ્યક્તિ છે એ સાચો છે। અથવા તો મારે ખાલી શું પ્રૂવ કરવું પડશે કે તમે રાઈટ છો, તમે સાચા છો, ધેન તમે સાચા છો હું પ્રૂવ કરી દઉં, ધેન ઓટોમેટિક સામેવાળો વ્યક્તિ જે છે શું પ્રૂવ થઈ જાય કે એ ખોટો છે। બરાબર, એ વ્યક્તિ રોંગ છે। બરાબર, ધેન આમાં પણ એવી રીતે જ છે કે તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું રહેશે કે રેશનલ નંબર નથી, રૂટ ટુ જે છે એ રેશનલ નંબર નથી, રેશનલ ન હોય તો ઓટોમેટિક શું થઈ જવાનું છે, ઇરેશનલ। ઓકે, ધેન હું સ્ટાર્ટ કરું છું। ધેન અને રેશનલ પ્રૂફ કરવા માટે મીન્સ એ નંબર જે છે રેશનલ નથી, તો રેશનલ નથી તો આપણે પેલા એઝ્યુમ કરીએ કે એ રેશનલ છે। બરાબર,
assume that root 2 is rational number, बराबर। therefore root 2 is equal to rational number हो देने आपने केमा शो करियो करवानो है p upon q, therefore root 2 equal to p upon q, अने q माशू ना हो जे 0 ना हो जे, where q is not equal to 0, and बीजी शू condition हो जो है कि p अने q केवा number हो जो है co-prime number, where p and q are co-prime numbers, okay? P and Q क्या numbers हुआ जो है? Co-prime numbers हुआ जो है। Co-prime ना मतलब शुन्त है यहाँ। Co-prime मतलब के बे numbers जिम्नो HCF जैसे शुन्त आउट होए one, बराबर? P and Q एवा बे numbers हुआ जो है जिम्नो HCF शुन्त आउट होए one, like P and Q 3 and 5 होई शके, 5 and 3 होई शके, 7 and 5 होई शके, 9 and 7 होई शके, 3 and 2 पन होई शके, 2 and 3 पन होई शके, बराबर कोई पन नंबर होई शके, but M नो HCF शुए हो जोए बनने नो 1 होई, तो एवाज नंबर मारे लेवाना छे P upon Q, assume, बराबर। हवे HCF 1 होई, then एना factor जे छे शुए होई, एना फैक्टर जे छे एक करता वधारे ना होए, जेम के हूँ p upon q जे छे एने हो एज हूँ 2 upon 3 लो, then 2 ना फैक्टर शुं बड़े 2 1 जा 2 अने 3 ना फैक्टर्स 3 1 जा 3, then 2 अने 3 ना फैक्टर्स जे छे फैक्टर्स आर नॉट मोर देन 1 करता सिवाय 1 सिवाय बीजा कोई वधारना एना फैक्टर पड़ता नथी, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो नंबर इटसेल्फ जो हूं काढी नाखू तो कयो नंबर छे 1, एक एक्स्ट्रा नंबर मारे जे फैक्टर आवे छे 1, देन 1 करता एक पण फैक्टर जे छे वधारे मारे नथी આવતું, फैक्टर आर नॉट मोर देन 1, देन બીજી કન્ડિશન હું એ શું લખીશ, देन p upon q કેવા હોય છે જેમાં ફેક્ટર્સ જે છે જેના એક કરતા વધારે ન હોવા જોઈએ, ફેક્ટર્સ આર નોટ મોર ધેન 1, देन आ जे छे लखवानी जरूर नथी, यहां आ वस्तु आ खाली जस्ट स्टेटमेंट लखवानो छे, ने मारे स्टेटमेंट तमने समझावु दो એટલા માટે મે લખ્યું છે, देन आ कट करना क्यों આગળ વધીએ, नाउ देयरफॉर q ने जे બીજી બાજુ લઈ જઈએ, देन મલ્ટીપ્લાય થશે √2 q equal to p, देयरफॉर હવે બંને બાજુ બોથ સાઈડ સ્ક્વેર કરું, देन √2 q होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देयरफॉर रूट 2 नो स्क्वायर 2 q नो स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ओके हमारे यहां कंडीशन શું આવી 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, આ કન્ડિશન જે છે હું પાછી અહીં લખું છું 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ओके देन હવે મને અહીંયા કઈ વસ્તુ આવે છે કે 2 જે છે q સ્ક્વેર ની સાથે મલ્ટીપ્લાયડ છે, 2 ઇઝ મલ્ટીપ્લાય બાય q સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ p સ્ક્વેર, ઓકે ધેન ધેન એ મને કઈ સિચ્યુએશન ફોર્મ થાય છે કે મને અહીંયા સિચ્યુએશન ફોર્મ થાય છે કે 2 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ p સ્ક્વેર, બરાબર 2 જે છે p સ્ક્વેર નું શું છે ફેક્ટર છે, 2 is a factor of p square, वह 2 जे छे p square ना factor होए, then a पोताना number साथे पन factor होए अत्त है, therefore 2 is also a factor of p, p square ना factor हो तो p ना पन factor होए अत्त है, बराबर आ कही ते लखी शका है, by theorem 1.3 तमारे आपेल उचे एनी उपर थी लखी शका है, ओके देन तानू एक सिंपल एग्जांपल આપી દઉં છું તમને કે મારી પાસે એઝ અ p હું 6 લઉં બરાબર ધેન 6 ના ફેક્ટર્સ પાડીએ ધેન 2 ઇનટુ 3 થયું ધેન 2 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ p ઓકે ધેન p નો સ્ક્વેર કરીએ ધેન 6 નો સ્ક્વેર
मने शुं आवशे 36 तो 36 ना फेक्टर्स करिए देन 2 × 18 आवशे हजी 18 ना पण पड़े पण 2 × 18 सीम्पल करूँ छूँ देन 2 इज ऑल्सो अ फेक्टर ऑफ 36 मीन्स पी स्क्वेर देन आ वस्तु जे छे अहींया मैं मेन्शन करेली छे के 2 जे छे पी स्क्वेर नो फेक्टर छे देन ई 2 जे छे पी नो पण फेक्टर होय ते ऑलरेडी इट्स ओके और देन हूँ आग लखु छू हम आ स्टेट आने इक्वेशन मैं आपी दू छू एंड आ स्टेटमेंट जो है आर हूँ आग लखु छू 2 इज ऑल्सो फेक्टर ऑफ पी देरफोर 2 × m इक्वल टू पी बराबर 2 જે છે p નો ફેક્ટર છે એટલે 2 સાથે કોઈ પણ એક ઇન્ટીજર મલ્ટીપ્લાય કરું ધેન મને p મળે છે સેમ અહીંયા 2 સાથે કોઈ પણ એક ઇન્ટીજર મલ્ટીપ્લાય થાય છે ધેન તમને p મળે છે ઓકે ધેન અહીંયા લખી નાખીશ વેર m ઇઝ સમ ઇન્ટીજર બરાબર હવે આ ઇન્ટીજર છે એ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે એ કમ્પલસરી હોવું જોઈએ ઓકે આગળ વધીએ ધેરફોર 2m થઈ ગયું 2m ઇક્વલ ટુ p नाउ पाछू स्क्वेर ऑन बोथ साइड 2m स्क्वेर इक्वल टू पी स्क्वेर स्क्वेर ऑन बोथ साइड ओके देरफोर 2 नो स्क्वेर 4m स्क्वेर इक्वल टू पी स्क्वेर 2 नो स्क्वेर 4m नो स्क्वेर m स्क्वेर इक्वल टू p नो स्क्वेर p स्क्वेर नाउ હવે ઇક્વેશન 1 માં મને પી સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ શું હતું 2 ક્યુ સ્ક્વેર ધેન પી સ્ક્વેરની જે વેલ્યુ જે છે હું આમાં પુટ કરીશ ધેરફોર 4m સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2 ક્યુ સ્ક્વેર આપણે પી સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું મૂક્યું 2 ક્યુ સ્ક્વેર બરાબર ધેરફોર ના કટ કરીએ 2 1 2 2 મારે કટ થશે એટલે મને શું આવશે 2m સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ ક્યુ સ્ક્વેર ધેન પાછી સિચ્યુએશન મને શું બને છે 2 × m² इक्वल टू क्यू स्क्वेर देन पाछो अहीं मने शुं मळे छे 2 इज अ फेक्टर ऑफ क्यू स्क्वेर देरफोर आपणे पाछो शुं लखी शकीए बाय थीअरम 1.3 2 इज ऑल्सो अ फेक्टर ऑफ क्यू बराबर 2 इज ऑल्सो फेक्टर ऑफ क्यू बाय थीअरम 1.3 ओके देन फ्रॉम कंडीशन अहियाँ जो कंडीशन थी 2 इज अ फेक्टर ऑफ पी एंड अहियाँ एक कंडीशन आई कि 2 इज ऑल्सो फेक्टर ऑफ क्यू देन बने कंडीशन में शू है कि 2 इज अ फेक्टर ऑफ पी एंड क्यू ऑल्सो बराबर 2 જે છે એ બંને નો ફેક્ટર છે p નો પણ ફેક્ટર છે અને q નો પણ ફેક્ટર છે બટ આપણે p અને q જે છે કેવા નંબર છે રેશનલ નંબર્સ છે બરાબર કો પ્રાઇમ નંબર છે જેના ફેક્ટર્સ જે છે એક કરતા વધારે ન હોય જેના શું હોય ફેક્ટર્સ એક કરતા વધારે ન હોય બરાબર બટ અહીંયા મને જે છે એક ફેક્ટર મતલબ કે 2 જે છે એઝ અ ફેક્ટર મને મળે છે p અને q નો બરાબર ધેરફોર અહીંયા લખીશ ધેરફોર बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड देयरफॉर रूट 2 इज नॉट अ रेशनल એટલા માટે 2 रूट 2 જે છે એ રેશનલ નથી देरफोर आर assumption is wrong ओके देरफोर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर ओके क्लियर अहीं जे छे मैं शुं प्रूव कर्युं देट
रूट टू इज नॉट अ रेशनल, रूट टू जे छे रेशनल नथी, बराबर, रेशनल नथी तो ऑटोमेटिक शू थई जशे, इरेशनल, देरफोर आ जे छे इरेशनल नंबर छे। ओके, आ सीम्पल हतुं के कई रीते रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ने इरेशनल प्रूव कराय। ओके, देन आपणे पाछो एक एक्जाम्पल साथे करीए, बराबर, आपणे सेम प्रोसेस करवानी छे, बट रूट टू ની જગ્યાએ શું લેવાનું છે, रूट थ्री। ओके क्लियर, देन હું આ रूट थ्री લઈશ, रूट दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ओके, देन હું આ જે છે रूट थ्री જે છે इरेशनल नंबर फटाफट થોડુંક स्पीड में प्रूव करीश, बिकॉज के आनी पछी पण मारे हजी आ त्रणमांथी एक एक्जाम्पल मारे लेवानो छे, जेथी तमने खबर पड़े के टू डिजिट में इरेशनल नंबर कई रीते प्रूव कराय। ओके, टू डिजिट में इरेशनल नंबर्स में आखी प्रोसेस करवानी जरूर नथी, जे अत्यारे करी एवी रीते एमां शॉर्ट में तमारे लखी नाखवानुं होय छे। तेनी कई रीते लखवानुं होय छे हुं तमने फटाफट पेला रूट थ्री जे छे फटाफट आपणे करी लईए। ओके, जेन देन जो तमारा आ क्वेश्चन में कोईपण डाउट हो देन कॉमेंट करजो, बिकॉज के हूँ आ थोड़ूक स्पीड में लखीश। सो लेट अज्यूम देट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, देरफोर रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, रेशनल नंबर है एटला माटे पी अपॉन क्यू में लखी नाख्यू, देरफोर पी अपन क्यू मतलब पी एन क्यू के नंबर होवा जोईए, कंडीशन लखी नाखू छू, वेर पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड नॉट अ एंड does not have more than one factor. Okay, so therefore root 3 q multiplied by this value, then root 3 into q equal to p. Now square on the both side, square on both side, therefore મારે શું આવશે, રૂટ થ્રી ક્યુબ ઇક્વલ ટુ પી એન્ડ બોથ સાઈડ સ્ક્વેર, ધેન રૂટ થ્રીનો સ્ક્વેર ઇઝ થ્રી, ક્યુનો સ્ક્વેર ક્યુ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ પીનો સ્ક્વેર પી સ્ક્વેર. ઓકે, ધેરફોર હવે આ કન્ડિશન ઉપરથી શું લખીશ, થ્રી ઇન્ટુ ક્યુ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ પી સ્ક્વેર મને થાય છે, ધેરફોર હું શું લખીશ, થ્રી ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ p square, therefore 3 is also a factor of p by theorem 1.3. okay, so now our condition upothi shun lakshu apne 3 m equal to p. okay, have m where m is sum पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देरफोर पाछू स्क्वेर ऑन बोथ साइड एट थ्री एम स्क्वेर इक्वल टू पी स्क्वेर लखी नाखीश, स्क्वेर ऑन बोथ साइड, देरफोर थ्री स्क्वेर इज नाइन एम स्क्वेर इक्वल टू पी स्क्वेर, बट पी स्क्वेर इक्वल टू मैंने ऑलरेडी अँ शूँ थ्री क्यू स्क्वेर, बराबर, देरफोर अँ नाइन एम स्क्वेर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वेर, पी स्क्वेर जगह पी स्क्वेर इक्वल टू, पी स्क्वेर इक्वल टू शू लीध अपने थ्री क्यू स्क्वेर। ओके, पी स्क्वेर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वेर मैं लीधेलू है, एन आ कंडीशन पाची अँ पर लखी नाखू छू जी तमने तकलीफ न थे। शू कंडीशन थी, नाइन एम स्क्वेर इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वेर, आफ्टर देट देरफोर थ्री वन झा थ्री थ्री झा
देरफोर 3m² इक्वल टू q² पाछी सेम कंडीशन मने यहाँ राइज थी 3 into m² इक्वल टू q² देरफोर 3 इज अ फैक्टर ऑफ q² देरफोर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q फ्रॉम द थियरम 1.3 ओके देरफोर मने बे कंडीशन आवी एक 3 जे छे p नो पण फैक्टर छे ने 3 जे छे q नो पण फैक्टर छे एला मारे हूँ लखीश 3 is a फैक्टर ऑफ सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q देरफोर p एंड q हैव मोर देन one factor but p and q are co-prime number therefore it is not possible to have more than one factor लखी नाखु छु एंड हियर पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू हेव मोर देन वन फेक्टर अँ पी एंड क्यू ना करता वधारे फेक्टर आए थे 3 एज अ एक वधारे फेक्टर आए थे बराबर 1 करता बट पी एंड क्यू कोप्राइम नंबर है एला माटे एना जे छे एक करता वधारे फेक्टर पॉसिबल नहीं देरफोर आ अजम्पशन इज wrong therefore root 3 is not a rational હવે રેશનલ ન હોય તો બીજું શું હોય મેં તમને પહેલા પણ કીધું એક વસ્તુ હોય તો બીજી વસ્તુ ઓટોમેટિક થઈ જાય રેશનલ નથી તો શું હોય ઇરેશનલ દેરફોર રૂટ 3 ઇઝ અ ઇરેશનલ નંબર ઓકે ક્લિયર હવે आज है थोड़क मैं फटाफट करेलो चोखू देन आ सम में कोईपण डाउट हो तो तब पूछी सको पाछू आ सेम सम करेलो जेम रूट 2 प्रूव करेलू है रीते रूट 3 मैं प्रूव करेलू है बीजू कहीं चेन्जिस नहीं आम ओके जेने आप आग एक्जाम्पल लीए क्यों एक्जाम्पल के 3 + 2√5 जे है ये इरेशनल नंबर है अँ 2 डिजिट नंबर आ गया through that 3 + 2√5 is irrational number okay હવે આ 2 ડિજિટ નંબર્સ છે then 2 ડિજિટ નંબર માટે શું કરવું હવે કમ્પલસરી તમને 2 ડિજિટ નો આવી રીતે નંબર હશે then તમને જે રૂટ માં નંબર હશે જેમ કે અહીંયા √5 છે એવી રીતે √5 કે √2 કે √3 કોઈ પણ નંબર હશે એ તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચન માં આપેલું હશે કે रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर बराबर अपने इन्हें इरेशनल नंबर लेवानो छे टेक रूट 5 एज इरेशनल नंबर बराबर टेक रूट 5 एज इरेशनल नंबर बराबर अहीं थोड़ुक स्टेटमेंट मारुं रॉन्ग छे एटले हूँ रफ करी नाखुं छुं कट करी नाखुं छुं तमने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपेलो हे टेक रूट 5 एज अ इरेशनल नंबर बराबर आ ऑलरेडी क्वेश्चन में आपेलू हे जो क्वेश्चन में ना आपेलू हो देन तमे पोतानी रीते अज्यूम करी शको छो कि रूट 5 जे छे इरेशनल नंबर छे बराबर तमे पोतानी रीते अज्यूम करीने लखी शको छो डायरेक्ट सीधो जो आपेलू ना होय तो बराबर एमां तमारा कोई मार्क्स कट नहीं थाय रूट 5 हो तो रूट 5 रूट 3 हो तो रूट 3 ने रूट 2 हो तो रूट 2 तब डायरेक्ट इन्हें इरेशनल नंबर ले सको छो देन आने कई रीते प्रूव करवानो 3 + 2√5 पाछो आपणे सेम प्रोसेस ज करवानी छे पण थोड़ुक अलग छे लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल ओके देरफोर 3 + 2√5 इक्वल टू
पी अपॉन क्यू। ओके, 3 + 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ओके, अँ शू कंडीशन हुई जो पी अपॉन क्यू नी, वेर पी एंड क्यू आ 4 prime numbers। बराबर, पी एंड क्यू क्या नंबर होवा जो 4 prime numbers होवा जो। ओके, देन ना हमें 3 ने जाए बीजी बाजु ले जाओ, देन मैंने शू आर 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। आने सोल्व करिए आगे, देरफोर 2√5 इक्वल टू एलसीएम लेने करिए तो पी माइनस 3q बाय क्यू, यहाँ 1 छे, देन पी क्यू और 1 एलसीएम क्यू आवशे, देन क्यू जे छे ऊपर आ बाजू मल्टीप्लाई थशे एटले पी माइनस 3q अपॉन क्यू। હવે 2 જે છે રૂટ 5 સાથે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, બીજી બાજુ આવશે તો ડિવાઇડમાં આવશે, ધેરફોર રૂટ 5 ઇક્વલ ટુ પી માઇનસ 3q બાય 2q। ઓકે, મને આ કન્ડિશન આવી કે રૂટ 5 ઇક્વલ ટુ પી માઇનસ 3q બાય 2q। હવે આ સીધું લઈ લેવાનું છે કે રૂટ 5 ના રૂટ 5 ઇઝ અ ઇરેશનલ નંબર, रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, अपने आपेलू है, जो ना आपेलू तो डायरेक्ट तमारे ले लेवानू है कि इरेशनल नंबर है। पछी रूट 5 हो के रूट 3 हो के रूट 2 हो, एनी ऑफ देम। नाउ रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, देरफोर पी माइनस 3q अपॉन 2q। हवे आ इरेशनल नंबर है, देन एनी इक्वल टू कोई पण नंबर हो ऑलरेडी शू हे इरेशनल नंबर ज थई जशे, देरफोर पी माइनस 3q बाय 2q इज ऑल्सो अ irrational number। Therefore, આપણું જે assumption હતું એ શું હતું, wrong હતું। Therefore, 3 + 2√5 is a irrational number। Clear? બરાબર, આ શોર્ટમાં પતી જશે, આ શોર્ટ મેથડ છે। બરાબર, આમાં આખી પ્રોસેસ જે છે રૂટ ફાઈવ ની આખી પ્રોસેસ સાથે પ્રૂવ નથી કરવાનું કે રૂટ 2 હોય કે રૂટ 3 હોય, અને આખી પ્રોસેસ એટલે કે આ જે આખી પ્રોસેસ સાથે મેં પ્રૂવ કર્યું એ આખી પ્રોસેસ સાથે પ્રૂવ નથી કરવાનું કે એને એ રૂટ 5 જે છે ઇરેશનલ નંબર છે। બરાબર, આને શોર્ટમાં ડાયરેક્ટ લઈ લેવાનું છે કે આ ઇરેશનલ નંબર હોય અને એની ઇક્વલ ટુ કોઈ પણ નંબર ફોર્મ થાય એ ઓલરેડી શું હોય, ઇરેશનલ નંબર હોય। ઓકે, દેન આપણી પાસે હજી એક થોડુંક 2-3 મિનિટનો ટાઈમ છે, એટલે આપણે હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ જેથી તમારા હજી ડાઉટ જે છે ક્લિયર થઈ જશે થોડાક। મને ક્વેશ્ચન આપેલું છે 6 + √2 શો દેટ 6 + √2 ઇરેશનલ નંબર। ઓકે, શો દેટ 6 + √2 ઇરેશનલ નંબર, 6 + √2 ઇરેશનલ નંબર છે, તેને એની માટે તમને ઓલરેડી અહીંયા મને ક્વેશ્ચનમાં નથી આપેલું કે રૂટ 2 જે છે ઇરેશનલ છે, છતાં પણ એને ઇરેશનલ નંબર આન્સરમાં લઈ લઈશ। ઓકે, ધેન સ્ટાર્ટ કરીએ, લે 6 + √2 ઇઝ અ રેશનલ। બરાબર, આપણે એને રેશનલ લઈશું, રેશનલ આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે એ રેશનલ નથી, રેશનલ ન હોય તો ઓટોમેટિક શું થઈ જશે, ઇરેશનલ। ઓકે, ધેન 6 + √2 ઇઝ અ રેશનલ, ધેરફોર 6 + √2 ઇક્વલ ટુ પી અપોન ક્યુ ફોર્મ। ઓકે, પી અપોન ક્યુ ફોર્મમાં લખી નાખ્યું। હવે પી અપોન ક્યુ મતલબ પી ને ક્યુ કેવા નંબર છે, વેર પી એન્ડ ક્યુ આ 4 prime numbers। ઓકે, પી એન્ડ ક્યુ કેવા નંબર છે, 4 prime numbers છે, ધેરફોર 6 ને બીજી બાજુ લઈ જઈએ તો શું થશે, મારે √2 ઇક્વલ ટુ પી અપોન ક્યુ માઇનસ 6, અહીંયા પાછું એલસીએમ લઈએ તો શું થશે, ધેરફોર √2 ઇક્વલ ટુ પી માઇનસ 6q બાય ક્યુ। ઓકે, સેમ પ્રોસેસ સેમ રૂટ 5માં જે કર્યું, રૂટ 5ને ઇક્વલ ટુ હતું, સેમ મારે હવે રૂટ 2ને ઇક્વલ ટુ આવી ગયું છે, અહીંયા એનું અહીંયા સેમ લખી નાખીશ। ના મને ક્વેશ્ચનમાં રૂટ 2 ઇઝ અ ઇરેશનલ નંબર છે એ કીધું, મીન્સ આપેલું નથી, છતાંય તે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા લઈ લઈશ,
बराबर ने तमारे पण डायरेक्ट लई लेवानो छे जो आपेलू न हो तो बचशे मां ओनली एंड ओनली एंड ओनली टू डिजिट वाला सम्स मां नाउ रूट टू इज अ इरेशनल नंबर रूट टू जे छे इरेशनल नंबर आपेलू छे तमने देरफोर p minus 6 cube upon q is also a irrational number. A પણ મારું શું થશે irrational number થશે. Therefore our assumption is wrong. Therefore મારે શું આપેલું છે 6 plus root 2 is irrational number. A automatic મારે irrational number થઈ ગયું. બરાબર? Okay. क्लियर अहीं हूँ लखू छू के 6 प्लस रूट टू इज नॉट अ रेशनल इरेशनल नहीं एटला माटे शुं प्रूव थई गयुं छे 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर क्लियर देन आजनो जे छे सेशन हूँ अहीं कम्प्लीट करू छू तमने कोई पण डाउट हो देन प्लीज कॉमेंट सेक्शन में तमे लखी शको छो एंड नेक्स्ट सेक्शन में आपणे आगळ बीजू जोशुं बराबर हाउ टू नो नेक्स्ट सेशन में आप शू भाषो कही दूस तमने हाउ टू नो अबाउट दी टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड नंबर विदाउट एक्चुअली डिविजन हाउ टू नो गिवन नंबर इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर विदाउट एक्चुअली डिविजन विदाउट एक्चुअली डिविजन बराबर एक्चुअली डिविजन कर्या वगर आपने कई रीते खबर पड़े कि तमने गिवन नंबर जो है ये टर्मिनेटेड है कि नॉन टर्मिनेटेड है हाँ टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड आ टर्म्स तमने खबर होगी जो बिकॉज के तमे आ टर्म्स जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड में भणी गयेला छो जो छताय तमने आ टर्म्स खबर न हो देन मैं ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में वीडियो अपलोड करेला है नाइन्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चेप्टर मारो टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड मैं बेजिक कंसेप्ट माटे आपेलू है देन बेजिक कंसेप्ट मारो फर्स्ट वीडियो जो लो देन एम तमने खबर पड़ जैसे टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड नंबर्स को कहेवामां आवे ओके देन गुड बाय टिल देन स्टे ब्लेस्ड